बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको न्यू जॉब्स के बारे में बताऊंगा। ये जॉब्स पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जानब से हैं, PAC की जानब से। पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। PAC पाकिस्तान एयरफोर्स से लिंक एक इदारा है, जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान का जो दूसरा एयर डिफेंस के लिए जो सामान है वो तैयार किया जाता है, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी जहाज़ हैं वो भी इसी इदारे में बनाए जाते हैं। तो आप इस जॉब के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं। तो आप इस जॉब की तफसीलात, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन अप्लाई लिंक के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, और गूगल पे आप सर्च करेंगे jobs24pk.com। सिंपली आप गूगल पे लिखेंगे jobs24pk.com, या आप देख सकते हैं jobs24pk.com लिख के आपने गूगल पे इंटर कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप लिखेंगे jobs24pk.com और इंटर करने के बाद, यहाँ टॉप पे आपको एक वेबसाइट शो होगी, www.jobs24pk.com। सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको जॉब स्टोडे का सेक्शन मिलेगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जॉब्स के लिए आप यहाँ नीचे पाक फोर्सेस जॉब के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का एक सेक्शन है, जिसमें आपको तमाम न्यू गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी जिनको आप विजिट कर सकते हैं। पाक फोर्सेस जॉब के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको PAC की जॉब्स मिल जाएंगी, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स। तो सिंपली आप इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे। पाक फोर्सेस जॉब वाले सेक्शन में ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। इस पोस्ट में आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डिटेल्स हैं। डिपार्टमेंट का नाम है PAC। पोस्टिंग डेट इसकी 21 जून 2019 है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 4 जुलाई 2019 है। फ्री ऑनलाइन अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 45 साल है। उसके बाद एजुकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं। मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, FFSC, बैचलर, BA, BSc, BS, मास्टर, MBBS और डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा DAE वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। DAE वालों के लिए बहुत सारी जॉब्स इसमें मौजूद हैं। और कौन कौन सी असामियाँ, सबसे पहले इंजीनियरिंग एरो है, उसके बाद सुपरवाइजर्स, स्टेनोटाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क्स, अपर डिवीजन क्लर्क, अकाउंट असिस्टेंट, AWM, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, इसी तरह काफी तादाद में जॉब्स हैं। उसके बाद आप यहां पे नीचे इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस भी रीड कर सकते हैं। यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस के यहां पे जो पॉइंट्स हैं, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी गई है। और यहां पे अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे नीचे इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है। अभी हम अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास PAC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, जहाँ पे ये तमाम जॉब्स मौजूद हैं। और हर एक जॉब के लिए जो क्राइटेरिया रिक्वायर है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और जो जॉब की टाइप है, वो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या रेगुलर बेस पे है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स रेगुलर बेस पे मौजूद हैं। ज़्यादातर जॉब्स इसमें रेगुलर बेस पे हैं और कुछ जॉब्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं। साथ में उनका पे स्केल भी लिखा गया है, BPS, वो आप देख सकते हैं 19 स्केल से लेके यहाँ पे BPS 1 से लेके BPS 19 तक इसमें जॉब्स मौजूद हैं। तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन रीड करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगी और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।